कर रहे हैं से एक्सरसाइज 3.6, हमने लास्ट 3.5 एक्सरसाइज की थी पेपरों से पहले, अब आपके पेपर एंड समाप्त हो गए हैं। तो नेक्स्ट आज से हमें आपको मैथ्स का होमवर्क भेज रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट सम है हमारे पास, हमें ऐसा दिया गया है ये लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल है, लेकिन इसमें जो एक्स और वाई है वो डिनोमिनेटर के साथ है, ठीक है। इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने करना है लेट वन ओवर एक्स इक्वल टू ए एंड वन ओवर वाई इक्वल टू बी, हमने इनको ए बी मान लेना है। तो ये हमारा आ गया वन ओवर एक्स के साथ टू नीचे लगा है, इसका मतलब ए बाई टू प्लस ए बी बाई थ्री इक्वल टू हो गया टू, और ये हो गया ए बाई थ्री प्लस बी बाई टू इक्वल टू 13/6। तो ये हो गया एलसीएम इसका आ गया 6, 3a प्लस 2b इक्वल टू हो गया 6/12। तो ये हमारी एक नंबर इक्वेशन बन गई सीधी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल x और y की जगह पे हमने a और b ले लिए, यहाँ पर एलसीएम इसका आ गया 6 और 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये आगे इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन हमें देखो, यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 2a है, हमने इसको अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया 6a प्लस 4b इक्वल टू 12/24। ये आ गया 6a प्लस 9b इक्वल टू आ गया 39, और इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, तो ये कट गया और 9b बड़ा है 4b छोटा है, तो माइनस 5b आ गया इक्वल टू आ गया 39 माइनस का इसमें से 24 घटाया तो आ गया 15, ये भी माइनस का आ गया, माइनस से माइनस कट, बी इक्वल टू 15/5, बी की वैल्यू 3 आ गई। तो हम बी की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो बाय पुटिंग बी इन वन, यहां पर ए को ऐसे लिख लेंगे 3a प्लस 2b मीन 2 × 3 इक्वल टू 12, 3a इक्वल टू 12 माइनस 3 × 6 जाकर माइनस हो गए, 3a इक्वल टू 6, a इक्वल टू आ गया 6/3 2। तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की, तो x जो है वो a से अपोजिट है, तो मतलब जो a की वैल्यू है x की वैल्यू कितनी आएगी, therefore x इक्वल टू 1/2, और b की वैल्यू 3 है तो y की कितनी आएगी 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब ये एक्सरसाइज 3.6 में लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स में ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें x और y डिनोमिनेटर के नीचे दिया होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 और x को a के बराबर और 1 और y को b के बराबर बना के जो इक्वेशन है उनको a और b की बना लेते हैं, और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर x और y की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लेते हैं। थैंक यू।